Mahindra KUV100 Next and Thumbs Up Charged co-presents Battle Ops, co-powered by Swiggy, Suzuki Intruder, Gillette Mark 3, Parle G and Crabtree. NSG हेडक्वार्टर्स ने कोड भेजा चीता 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 और फिर ब्लैक कैट्स निकलने के लिए तैयार होने लगे। NSG ने अपने स्पेशल एक्शन ग्रुप भेजा, उनके 3 स्क्वाड्रन्स थे, हर एक में करीब 100 कमांडो थे। मेजर खांडवाल, मेजर उन्नीकृष्णन, मेजर भारत और लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. शर्मा ने एक साथ ट्रेनिंग की थी और आज उन्हें एक मिशन पर साथ में निकलना था, लेकिन मेजर खांडवाल छुट्टी पर देहरादून में थे। शर्मा ने बताया कि खबरों के हिसाब से करीब 50 आतंकवादी थे। उन्नी बोले कि हर एक को 2 आतंकवादियों को मार गिराना होगा। फिर उन्होंने कैप्टन वरुण दलाल से कहा, देखो जूनियर, तुम्हें सिर्फ एक को ही मारना है। ये सुनकर सभी हंसने लगे। इससे माहौल थोड़ा हल्का हो गया। वक्त बहुत कम था। कर्नल शेरॉन ने अपने कमांडोस को होटल के बाहर इमारत के नक्शे के बारे में जानकारी दी, होटल का लेआउट समझाया। शेरॉन की प्राथमिकता थी कि पहले होटल में फंसे हुए मेहमानों को बाहर निकाला जाए। वो नहीं चाहते थे कि सिविलियंस को कोई नुकसान पहुंचे। उन्होंने अपने कमांडोस को 2 टीमों में बांट दिया। ये फैसला हुआ कि लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा और मेजर भारत कर्नल राठी की कमांड में काम करेंगे। ये टीम ट्राइडेंट होटल संभालेगी और कर्नल शेरॉन ताज होटल की टीम का खुद नेतृत्व करेंगे। उनकी कमांड में मेजर खांडवाल और मेजर उन्नीकृष्णन काम करेंगे। कर्नल शेरॉन का अनुमान था कि सिर्फ 2 उग्रवादी हैं, लेकिन कमांडोस के हिसाब से 2 नहीं 4 थे। हर कमरे की खोज मुश्किल होती जा रही थी। आग की वजह से कुछ मंजिलों में सांस लेना मुश्किल हो गया और कमांडोस को रीग्रुप करना पड़ा। मेजर जोधा एक बड़े स्टेयरकेस से गोलियों की बौछार कर रहे थे। ये बहुत लंबा स्टेयरकेस था जो आगे चलकर 2 तरफ खुल जाता था। मेजर जोधा के जूनियर्स ग्रेनेड्स और गोलियों की बौछार में फंसे होने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जोधा को गोली लगी, फिर से गोली लगी। ऐसा लगातार 8 बार हुआ। उन्हें इस भयंकर फायरिंग से बचाने के लिए मेजर उन्नीकृष्णन कूद पड़े। उनके आखिरी शब्द थे, मेरे पीछे मत आना। जैसे ही मेजर पहले उग्रवादी पर हमला बोलने के लिए मुड़े, उन पर गोलियों की बौछार हुई और वो जवाबी कार्रवाई करते हुए जमीन पर ढह गए। रेडियो ट्रांसमिशन जारी था। उन्नी, उन्नी, सियरा लियोन टू कमांडो 4। लेकिन खामोशी के अलावा कुछ नहीं बचा था। मैंने कहा कि मुझे वो स्थान दिखाइए जहां मेजर उन्नीकृष्णन शहीद हुए। लगभग 5 मिनट बाद हम लोग वहां पहुंचे। ये वो जगह थी जहां जमशेद जी टाटा की मूर्ति बनी हुई थी और मुझे कहा गया, सर ये वही जगह है। तो मैं उस जगह का मुआयना करने के लिए वहां गया, उस जगह को देखा और उसके बाद मैं नीचे आ गया। वहां ऑफिसर्स और कई जवान मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि हमारी रणनीति में किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। फिर मैंने अपने जवानों से कहा कि हमें किसी भी हाल में मेजर उन्नीकृष्णन की मौत का बदला लेना है। बस फिर इसके बाद मेरे सारे कमांडोज में फिर से एक नया जोश सा आ गया और वो एक नई फुर्ती के साथ अपने काम पर लग गए। इससे जो वो कुछ देर के लिए टूट गए थे, उनका हौसला बुलंद हो गया। ये वो शख्सियत थी जिन्होंने पूरे NSG को एक साथ जोड़े रखा था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 51 SAG को। वो ये आसानी से कह सकते थे कि मैं तो उनका ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ, मेरा वहाँ क्या काम। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी टीम को लीड किया और वहाँ गए जहाँ खतरा सबसे ज्यादा था।